नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपाल सक्तावत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम फ्लैशबैक। फ्लैशबैक में बात उन राजनेताओं से जिनकी भूमिका राजस्थान के निर्माण में या राजस्थान के विकास में महती रही है। 1945 की शिवरात्रि थी और शिवरात्रि के दिन उदयपुर जिले के सनवाड़ कस्बे में एक बच्चे का जन्म हुआ और वही बच्चा एक दिन विधानसभा अध्यक्ष बना, राजस्थान का गृह राज्य मंत्री बना और उसके पास में वित्त जैसे कई महकमे रहे। कुल 17 विभाग उनके पास में थे और उसके बाद वह विधानसभा अध्यक्ष भी बने। जी हाँ, बात हो रही है शांतिलाल चपलोत की। चपलोत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्लैशबैक में। पुरानी यादों की तरफ आपको ले चलते हैं। हमें पता चला कि आपने तो राजनीति 5वीं कक्षा से शुरू कर दी थी। कैसे शुरू हुआ ऐसे? ये मैं पहली क्लास में मेरे भाई साहब के वहाँ पढ़ता था, रुंडेड़ा गांव में, वल्लभ नगर तहसील में। भाई साहब आरएसएस में सक्रिय थे और सीनियर मोस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे। वो वहाँ पढ़ता था, उनके वहाँ काफ़ी पुस्तकें थी, उसमें कम्युनिस्ट क्रांति की भी थी, बोल्शेविक क्रांति की। तो मैंने पहली दूसरी तीसरी में वो पढ़ी। तो मैं पहले में भी वहाँ मॉनिटर था, गांव तो सनवार, जाके वहाँ मॉनिटर बना पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी वहाँ पढ़ा। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो। मैंने कहा मैं हिंदुस्तान पर राज करना चाहता हूँ। तीसरी क्लास में उनकी शादी हुई और वहाँ गए भी सही जयपुर में। चौथी में फिर मैं अपने गांव में आ गया, फिर वहाँ मॉनिटर बना और पाँचवीं में स्कूल का अध्यक्ष बना। तो ये कह सकते हैं राजनीति तो आपकी मतलब पैदाइशी तौर पर? हाँ, पैदाइशी समझ लीजिए आप। तो आपने जन्म लिया सोसर भाई जी और चुनीलाल जी चपलोत के घर में। जी हाँ। क्या कभी उन्होंने सोचा था कि ये बच्चा इस तरह से आगे जाएगा और राजनीति में जाएगा? वो कभी मेरे मना भी नहीं करते थे। मैं पढ़ने में अच्छा था और फिफ्थ क्लास में जब मैं बना तब जनार्दन राय जी नागर, जिन्होंने विद्यापीठ की स्थापना की, राजस्थान विद्यापीठ की, वो उस समय एमएलए बने थे और गांव में पधारे। तो मैंने कहा भाई हमारे यहाँ मिडिल स्कूल खोलो। और पहली बार सार्वजनिक भाषण सन 1957 में, शायद अप्रैल का महीना ही होगा, तब दिया था। फिर उन्होंने कहा हम करेंगे। फिर हम मोहनलाल जी सुखड़िया जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उनसे मिलने आया मैं 5-6 स्टूडेंट्स को लेकर, और भट्टी की बाड़ी में वो रहते थे यहाँ। मैंने कहा साहब हमारे यहाँ मिडिल स्कूल खोलो आप। फिर मिडिल स्कूल खुला वो दिसंबर जनवरी में। तो मैं फतेहनगर पढ़ने चला गया था। फिर फतेहनगर से वापस हम सनवाड़ आए और फिर वहाँ हमने चंदा वंदा इकट्ठा किया और रोडें भी बनाई, स्कूल के लिए ईंटें थेपने का काम भी किया, गारा इकट्ठा करके गूंदना, संचालना कुमारों से, और गांव में रोड बनाना, गांव में इकट्ठी करना, गांव में पतड़े इकट्ठे किए, 14 रुपये एक पतड़े के इकट्ठे किए। और जो कमज़ोर स्टूडेंट था उसको मैं पढ़ाता भी था, मतलब सहभागिता, सहकारिता, राजनीति, ये सब कुछ। फिर सातवीं आठवीं में वापस फतेहनगर चला गया, प्रधानाचार्य जी से झगड़ा हो गया। मैंने जन्नू भाई को कहा कि आपने हमारे गाँव में फला फला काम नहीं किया, ये मामले की बात। जन्नू भाई कौन थे? जनार्दन नागर, जन्नू भाई कहलाते हैं वो। तो मैं मामले गया कुछ स्टूडेंट्स को लेकर के। मैंने कहा हमारे स्कूल की बिल्डिंग में एक आध दो कमरा बनाओ आप। तो उन्होंने कहा हाँ, पर तू इतनी राजनीति कर क्यों रहा है? मुझे कहा तो अच्छा है, होशियार है, सब कुछ है। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी मर्जी, नहीं बनाओ तो। कौन से क्लास में थे? उसमें 6th क्लास में था। तो उन्होंने शायद शिकायत की होगी। तो प्रधानाचार्य जी ने मुझे कहा हमारे तबादले कोटला हो जाएंगे, उदयपुर जिले में कोटला सुदूर है, काला पानी मानते थे उस समय, तो आप जिम्मेदार होंगे क्या? मैंने कहा हेडमास्टर साहब के मन में अपने प्रति कुछ दुर्भावना आ गई, मैं गुरुओं का बहुत भी सम्मान करता हूँ। तो मैंने कहा अपने को यहाँ कुछ छोड़ देना चाहिए। फिर मजबूरी से मैंने वापस फतेहनगर चला गया। पढ़ने में तो अच्छा ही था, ही वहाँ भी एडमिशन का 7वीं 8वीं वहीं पढ़ा। फिर 9वीं में मैं साइंस लेने के लिए चित्तौड़ चला गया। तो चित्तौड़ में मेरा संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ और सन 1961 18 जुलाई को पहली बार मैं संघ में गया। परम पूजनीय गुरु जी माधवराव सदाशिव राव गोलवलकर, उनसे बहुत प्रभावित था,
62 में वो वहाँ पधारे, 20 अक्टूबर सन 1962 को। तारीखें आपको अच्छी तरह याद है। हाँ साहब, और उसी दिन चाइना ने हमला किया था भारत पर। तो गुरुजी ने सार्वजनिक सभा में कहा कि मुझे लगता है कि चाइना ने हमारे साथ धोखा किया है। और रात को हमने जब सुना, रेडियो ही आते थे उन दिनों, तो रेडियो पर जवाहरलाल जी नेहरू का भाषण सुना, गांधी चौक चित्तौड़ में है वहाँ, तो रोते रोते भरी हुई आवाज़ में बोले कि चीन ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। तो लोगों ने ये कहा कि गुरुजी को पहले कैसे पता लग गया ये, आम सभा में उन्होंने कहा, और वो 7:30 करीब करीब ख़त्म हो गई आम सभा को, 20 अक्टूबर की बात है 62 की। और उसके बाद शाम को उनका रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हुआ, उसके बाद निरंतर ये चलता रहा। फिर शेखावत साहब के संपर्क में था ही मैं, भैरव सिंह जी शेखावत के उस वक्त से ही। हाँ, और सुखाड़िया जी से भी झगड़ा किया 61 में चित्तौड़ में, कॉलेज खुलवाने के लिए 2-3 दिन जेल में भी चला गया फिर वहाँ 10th क्लास में। तो बाद में सिलसिला चालू रहा, उसके बाद मैं पिल्ला ने भी गया पढ़ने, पर मैंने कहा मेरे से नौकरी नहीं होगी, मेरा स्वभाव नहीं है। तो बीट्स में भी गया, साइंस स्टूडेंट था, इंजीनियरिंग में पढ़ने के लिए, पर वो फिर उसी जिस कॉलेज में खुलवाया उसी में फिर वापस 12th में वापस आ गया। फिर 12th मैंने कहा यहाँ पॉलिटिकल स्कोप कम है चित्तौड़ में, और बचपन में बीट्स तो कॉलेज है, आप स्कूल टाइम में चले गए वहाँ बीट्स में? हाँ, चित्तौड़ से गए ना, यानी कॉलेज में गए थे वहाँ पे या स्कूल में गए थे? नहीं, कॉलेज में, बीट्स में इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 11th बाद में ले लेते थे वहाँ। तो मैं वापस आर्ट स्टूडेंट बन गया साइंस से, और 1964 में फिर वहाँ से थोड़ा देर से एग्जाम हुए, राजस्थान यूनिवर्सिटी थी, तो फिर मैं वहाँ से, उस समय मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3rd ईयर की OTC में नहीं जा सका। तो मैं चुनाव में मदन लाल जी दुप्पड़ बाई इलेक्शन लड़े थे भीलवाड़ा में, मेजर जनरल नाथू सिंह जी थे अपने डूंगरपुर के, वो तो स्वतंत्र पार्टी से थे, शिवचरण जी माथुर जो चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं वो MP का चुनाव लड़े, और दुप्पड़ साहब लड़े, तो उनके चुनाव में प्रचार किया। उस गाँव में रहते चने वने खाक कुआ करके काम चला लेते थे, मंदिर में भी कोई नहीं ठहरने देता, दूसरी बात तो छोड़ो आप, तो ये बस संघर्ष वाला काम था। प्रतापगढ़, अरनो, चित्तौड़, काफ़ी साइकिलों से मतलब मंदसौर होकर के मुझे प्रतापगढ़ जाना पड़ता था RSS के काम से भी, मतलब संघ से, संघ के प्रति आपका जुड़ाव पहले से ही हो गया था। एक ब्रेक ले लेते हैं चपलोत साहब। जी हाँ, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जारी रहेगा हमारा खास कार्यक्रम फ्लैशबैक, और फ्लैशबैक में आज बात हो रही है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, और एक वक्त में 17 विभाग राजस्थान सरकार में देख चुके पूर्व मंत्री श्री शांतिलाल चपलोत से। चपलोत साहब, आप संघ का तो बता रहे थे, आपका जुड़ाव कैसे हुआ जी। जो सरसंघ चालक हैं उनका आप किस्सा बता रहे थे, लेकिन आपने एक जिक्र किया मेजर जनरल नाथू सिंह राठौड़ का, ये वही नाथू सिंह राठौड़ है जिन्होंने KM करियप्पा को सेनाध्यक्ष बनाने का सुझाव दिया था? हालांकि राठौड़ को बनाया जा रहा था लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो वरिष्ठ और उनको बनाया जाए। हाँ, ये मेजर जनरल नाथू सिंह जी वही हैं, और उन्होंने स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ा था जी 64 में। एक किस्सा उनका ये भी इन दिनों में बहुत वायरल हो रहा है, वेबसाइट्स ने उस पर स्टोरी भी की है, डिजिटल मीडिया ने, कि उन्होंने नेहरू को कहा था कि आपको अनुभव नहीं है कश्मीर को लेकर। ये बात सही है। क्या कहानी थी वो? अगर आप उस समय कश्मीर में क्या हुआ कि चाइना ने जब आक्रमण किया था तो चाइना ने कश्मीर का भाग और उत्तरी भारत का भाग हिमालय का करीब 48,000 वर्ग किलोमीटर भूमि दबा दी। तो उन्होंने उनको, और उस समय तोपेन कृष्णा मेनन उस समय रक्षा मंत्री थे, मुझे अच्छा याद है, और उन्होंने, वो कम्युनिस्ट हैं, और उन्होंने कहा है कि ये मुक्ति सेना आ रही है, ये भारत पर आक्रमण नहीं कर रहे, भारत पर मुक्ति सेना आ रही, यानी हमारा रक्षा मंत्री इस प्रकार की बात करे। उसके बाद उनको त्यागपत्र भी देना पड़ा, और उस समय अटल बिहारी जी वाजपेयी वगैरह ने काफ़ी मतलब किया था, दीनदयाल जी भी उस समय थे, और मेरा तब से उनसे जुड़ा। ये राठौड़ साहब वाला क्या किस्सा था?
राठौड़ साहब यही है, मेजर जनरल राठौड़ सिंह ने कहा आपको क्या एक्सपीरियंस है इसके बारे में, इस युद्ध के बारे में आप क्या जानते हो। और उस वक्त सेना के जो इतने बड़े अधिकारी हैं वो विवाद कर लेते थे प्रधानमंत्री से, बहुत बोल्ड थे। अब आपकी राजनीति की तरफ लौटते हैं, 1990 में आपने पहला चुनाव लड़ा। मैं 85 में लड़ा पहला। अच्छा, बने पहली बार 1990 में। हाँ, मुझे लड़ाना तो 77 में भी था, 72 में भी था। 77 में मैं जो एमरजेंसी में सबसे पहले जेल में मैं ही गया भाषण देकर जी, और हथकड़ियाँ बेड़ियाँ मैंने सब पहनी है। कुल मिलाकर के मैं त्रिवेंद्रम से तिहाड़ जेल 27 बार जा चुका हूँ, 2.25 साल जेल में निकाल दिए मैंने अपने जीवन में जी। तो त्रिवेंद्रम जेल में भी रहा मैं, और मोरारजी देसाई को इंदिरा गांधी ने वित्त मंत्रालय से सेक कर दिया था 16 जुलाई 1969 को, उस दिन फिर हमको भी वहाँ से रिहा कर दिया। पर इंदिरा गांधी ने बैंक नेशनलाइजेशन, प्रिवी पर्स, ये और थोड़ा सा वो राजपूतों से खिलाफ भी थी, इनको राजा महाराजों से खिलाफ थी, तो इसलिए उन्होंने ये किया, प्रिवी पर्स का एक झमेला उठा दिया और एक पॉपुलर नारा गरीबी हटाओ ये करोड़ तांगने वालों को, तो गरीब लोगों के लिए जरूरी भी था मुझे लगता है कि बैंक नेशनलाइजेशन तक तो ठीक है, वरना तो क्या क्या हुआ जो तो मुझे पता है। और मैं वहाँ तिहाड़ जेल में भी रहा हूँ, और वहाँ नागरवाला एक सज्जन थे वो हमको मिले थे, हम बांग्लादेश बनाने के लिए भी 1971 में वहाँ जेल में गए थे, तो नागरवाला वहाँ मिला था। उसने मतलब इंदिरा गांधी ने नोट मंगवाए 60 लाख रुपया बैंक से, बैंक में किस खाते में रखते थे यूं ही बिना अकाउंट के पड़ा हुआ, नागरवाला ने निकलवाया और इंदिरा गांधी को दिया। मल्होत्रा, नागरवाला और उनके साथ जो खजानजी थे पहले, वो सब मारे गए बाद में, एक भी नहीं बचा। ये बड़ा एक चर्चित केस है। और मैं स्वयं नागरवाला से उन दिनों तिहाड़ जेल में मिला था। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो भैरव सिंह जी के हनुमान कहे जाते थे संघ में होते हुए, बिल्कुल सत्य है। और 3 बार आप विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे, 17 विभाग देखे, कैसा अनुभव था उसका? बहुत अच्छा था, इतनी सुचिता थी कि मैं बता भी नहीं सकता, पवित्रता थी। मैं यहाँ पर 50-60 हज़ार रुपये की वकालत छोड़ करके गया, और जब 90 में मैं मिनिस्टर बना तो मुझे 3,000 रुपये मिलते थे। अच्छा, खर्चा कितना आया चुनाव में पहले में? मैं आपको एग्जैक्ट 2,35,000-40,000 रुपये मैं जीता। अच्छा, आप इंसाइक्लोपीडिया, आपको तारीखें हमारे के सारी पता है। हाँ, ये पार्टी में भी कई लोग मुझे मेरे को ही पूछते हैं कि फलानी कौन सी तारीख को क्या बात हुई, तो शांतिलाल जी को पूछो, यार देखें वो जानते हैं सब। तो आपने पहली जीत, बड़ी जीत हासिल की 1990 से लेके और 2008 तक आप चुनाव भी लड़ते रहे। जी, उसके बाद आप बिल्कुल अदृश्य हो गए राजनीति से। अदृश्य तो नहीं, पर वो चुनाव नहीं लड़ा जी। क्या सजा किस बात की मिली आपको, भैरव सिंह जी के करीबी होने की, भैरव सिंह जी के हनुमान होने की? ये तो मैं अब क्या बताऊँ, कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा तो है। और जो व्यक्ति अपने पिता को नहीं माने, मैं उसको ठीक नहीं मानता हूँ। हमारे पूज्य थे वो, और इतनी पवित्रता रखते थे पॉलिटिक्स में कि अंदाज भी नहीं लगा सकते, एक रुपये का इधर उधर नहीं। गुलाबचंद कटारिया आपके बड़े विरोधी रहे? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे मित्र ने, परम मित्र। आप नवनीत लाल नीनामा, आप रणधीर सिंह भिंडर, ये सारे सब कुछ बताते हैं कि आप उनके कोपभाजन के शिकार हो गए। ऐसा कुछ नहीं, मेरे मित्र ने हैं, बचपन से दोस्त हैं। आपको जो 17 विभाग मिले? हाँ, तो वो मैं मिनिस्टर था, वो सांसद थे। तो आप फर्स्ट डिवीजन आ गए थे, अच्छे नंबर आ गए थे उस वक्त, क्या वहीं से आपकी दोस्ती में दरार आई? नहीं, कोई दरार नहीं आई। उन्होंने खुद नहीं कहा कि ये ही निर्विवाद आदमी है जो गिरिजा जी को हरा सकता है? तो फिर मेरे को 98 में लड़ाया गया, और उस समय ऐसा आदमी चाहिए था, और शिवदान सिंह जी भी मेरे साथ थे, और रणधीर सिंह जी भी मेरे साथ थे, और भी कई लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ थे। और शेखाव साहब ने मुझे 16 या 15 की 15 रात को, मैं यहीं था जनवरी में, घूम रहा था गाँव में, 2 बजे 1 बजे तक घूम ही लेता था रात को, तो उनका टेलीफोन आया रात को कि चप्पलों साहब हैं क्या? तो सर्किट हाउस वालों ने कहा कि नहीं है साहब,
तो उन्होंने कहा हो तो आए तो बात करना, इतनी देर तक घूमते हैं क्या कि साहब उनका कोई पता नहीं, और चार बजे वापस उठ करके तैयार हो जाते हैं पाठ वाठ करके। तो मेरा आया और मैंने टेलीफोन से बात की उनसे, उन्होंने कहा भाई मुझे आपसे ज़रूरी काम है। मैंने कहा बताएं आप, मुझे नहीं पता था कि मुझे लड़ना है। तो कितनी बजे पहुंच सकते हैं, फ्लाइट तो थी नहीं, तो मतलब वहाँ उस वक्त फिर उन्होंने चुनाव लड़ने का आदेश दिया लोकसभा। इस पर बात करेंगे हम, लोकसभा के अनुभव यहाँ की राजनीति को लेकर के। एक विराम ले लेते हैं जी, विराम के बाद जारी रहेगा हमारा खास कार्यक्रम फ्लैशबैक। और फ्लैशबैक में आज बात हो रही है पहली कक्षा से राजनीति की शुरुआत करने वाले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और एक जमाने में 17 विभागों के मंत्री रहे। आप देख रहे हैं राजस्थान का नंबर एक न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान, और बात हो रही है फ्लैशबैक में श्री शांतिलाल चपलोत से। चपलोत साहब, आप तो मेवाड़ में बीजेपी की जड़ें जमाने वाले, संघ के पुराने कार्यकर्ता, भानु कुमार शास्त्री, आप दुप्पड़ साहब जी, फिर अचानक क्या हुआ कि बिल्कुल 2008 के बाद आप गायब हो? नहीं, उसके बाद भी मैं एक्टिव हूँ, पार्टी कार्यकारिणी का मेंबर हूँ प्रांत में, प्रांत का महामंत्री भी रहा हूँ बीजेपी में, पर चुनाव नहीं लड़ा, नहीं लड़ाया। लड़ा नहीं या पार्टी ने नहीं लड़ाया? हाँ, नहीं लड़ाया। अच्छा, आप इतने सालों से राजनीति में हैं जी, हाँ, इतने मुख्यमंत्री आपने देखे सुखाड़िया से लेकर के, और आप रेटिंग किस तरह से करते हैं, सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री आपको कौन लगता है, किस सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री? यूँ अच्छे काम कराने के हिसाब से दो ही हुए हैं, एक मोहनलाल जी सुखड़िया और बैरू सिंह जी शेखावत। क्या उनकी खूबी है? जो खूबी है कि कभी भी किसी पर क्रोध करके करते हुए हमने नहीं देखा। और भैरव सिंह जी की क्या खूबी आपको लगी? भैरव सिंह जी कभी भी इरिटेट नहीं होते थे और विरोधियों को विरोधी मानते नहीं थे। एक बार मैं उनको, उन्होंने कहा मित्रों को मिनिस्टर बना दूंगा, मैंने कहा बनाओगे कि नहीं बनाओगे, कब बनाओगे, आप कौन है मेरे को? तो मेरे तो जूते घिसने लग गए जी, कि मेरे को तेरे जूते घिसा दूंगा। मैंने कहा वो मिनिस्टर मतलब 2-3 महीने हुए MLA बने, तो मैं एक बार माली पन्ना सिंदूर अगरबत्ती और नारियल लेके गया उनके पास जी। मैंने कहा ये आपके चढ़ा रहा हूँ, तो क्या मतलब है? मैंने कुछ नहीं, कुछ बेरू जी हनुमान जी के चढ़ाते हैं माली पन्ना। हाँ, वो पर वो बेरू जी के भी चढ़ाते हैं। तो मैंने कहा कोई बेरू जी होते हैं, कोई राणा जी होते हैं, उनके चढ़ाने के लिए लाया हूँ, तो खेदियाना बना दूंगा तुमको मिनिस्टर। और उसके 2-4 दिन बाद बन ही गया मैं, पर हमारा मजाक काफ़ी चलती थी। अच्छा, वाजपेयी जी से, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनसे भी आपका बहुत ही अच्छा, और अंतिम समय में भी मैं गया और उनसे मिल के आया, बैठे मैं था, दलपत था सुराणा, मांगीलाल जी भी थे, हम बहुत देर तक बैठे। पर उन्होंने कहा, शिवजी ने कहा बुला लें इनको, तो हाँ बुला लो, चेहरा हिलाया। हम गए बैठे रहे, पर हमको रोने के अलावा कुछ नहीं था, सारा शरीर ऐसा हो गया, मुंह ऐसा हो गया, पहचान भी नहीं पा रहे कि वाजपेयी साहब है क्या। आडवाणी जी की कोई याद है? खूब आडवाणी जी की, सारे रथ यात्रा में हम सब आते थे। अब और बहुत बड़े हैं पार्टी को जमाने में, उनका योगदान बहुत बड़ा है। तकलीफ होती होगी जो जिस तरह से उनका रिटायरमेंट हुआ? मुझे तो होती है,